हेलो फ्रेंड्स, ग्लोरियस जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग विद्युत धारा से संबंधित कुछ बातें करेंगे। तो विद्युत धारा में देखिए, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट को कुछ से आई से, अब बताइए आवेश बटा समय, माने आवेश को क्यू से और समय को कुछ से टी से सूचित करेंगे। अब बताइएगा विद्युत धारा बराबर होता कुछ आवेश बटा समय, तो आवेश बटा समय होगा। अब हम लोग कहते विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का डिफिनेशन कुछ आवेशों के सतत प्रवाह को, आवेशों के सतत प्रवाह को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। या फिर कहते हैं आवेशों के सतत प्रवाह की दर। देखिए आवेश बह रही है और उसके प्रति जो दर है, दर कौन है, आवेशों के सतत प्रवाह की दर, दर माने समय, दर बटे दर के मतलब समय। तो आवेशों के सतत प्रवाह की दर को क्या चीज क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। जैसे याद कीजिए आवेश हो गया क्यू आई, अब बट्टा हो जाएगा। या फिर डिफिनेशन दूसरा दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, आवेश और समय के अनुपात को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहते हैं। अब बोलेगा ए सर अब हमारा क्या बुझा रहा है, लेकिन अब देखिए आवेश होता क्या है। अब देखिए भाई, अब आवेश कुछ होगा, आवेश के बताइए एक दूसरे से पूरा रगड़ेगा, जब रगड़ेगा तो कुछ उत्पन्न होगा गर्मी, और गर्मी रगड़ होगा तो बताइए कुछ होगा उत्पन्न, आवेश उत्पन्न होगा। और जब आवेश उत्पन्न होगा तो कहेगा अच्छा ऐसा बात है, तो बताइएगा एक होता है, अब कह सकते हैं समान आवेश, समान आवेश होगा एगो, एक होगा असमान आवेश, अब होगा असमान, असमान आवेश होगा। आप कह सकते हैं कि क्या होगा, समान आवेश कर रहा है, अब नहीं याद होता है असमान, समान आवेश में जानते हैं विकर्षण होता है, विकर्षण होगा, और असमान आवेश में आकर्षण होगा। अब नहीं बुझाता है, नहीं बुझाता, नहीं याद करो उसे, नहीं याद करो। अच्छा मान लेते हैं जब लड़का लड़का के साथ शादी करा दो, तो बताओ एक साथ रहेगा नहीं ना रहेगा, तो क्या होगा, एक दूसरे से मुआ एक दूसरे से मुड़ करके भागेगा, एक मतलब है कि एक दूसरे से दूर भागेगा। लेकिन अब बताइए एक मतलब है कि एक दोनों के प्रति कुछ होगा विकर्षण होगा, हटेगा, हटेगा एक मतलब समझ जाना कुछ है विकर्षण। कौन वाला, दोनों समान है तब लड़का लड़का किया, अब लड़की लड़की के तू शादी करा दो, लड़की लड़की के साथ शादी कराएगा तो क्या होगा, दोनों फिर वही वाला, दोनों समान है तो दोनों मुंह मोड़ करके एक दूसरे से साइड भागेगा, और जब साइड भागेगा तो क्या होगा, समान आ गया, दोनों भागित हो, भागित हो अगर मतलब कि समान हो, और समान रहेगा तो कौन चीज विकर्षण। लेकिन एगो उल्टा ले लो, एगो लड़का एगो लड़की, और न तो एगो लड़की एगो लड़का, दोनों के शादी करा दो तो बताओ हटेगा कि सटेगा। अरे पता तो होगा एकदम कंफर्म सटेगा, सटेगा एकर मतलब है अलग अलग, असमान, असमान में कौन जी आकर्षण, आकर्षण के मतलब सटेगा, समझ में आ रहा है। अब यही बात है तो याद हो गया होगा, समान आवेश में कौन जी विकर्षण और असमान में आकर्षण होता है। यही तक दोस्त आज हम लोग बात करेंगे, हम लोग विद्युत धारा की बात, अब आगे की जो चलेंगे अब हम लोग बात करेंगे, और उसके बाद में यहां तक ठीक।